हम जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। और जब हम देखते हैं कि हमारे सामने पेशेंट है या हमारा रिश्तेदार है सांस नहीं ले पा रहा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कभी मर सकता है, ये तो बहुत दुखदायी बात है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो चटाई लिया, कि ऐसे में हम क्या करते हैं और क्या करना और क्या नहीं करना है। सिर्फ एक मिनट की बात है तो हम उसकी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन कि 50,000 पेशेंट देख लिए, एक भी नहीं मरा, राइट? जबकि हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लाखों रुपए के लगे हुए हैं, राइट? बिलो बिलो एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही, जब तो वो पेशेंट खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूं तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, जब तो वो बैठा है जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट? तो ये दो पॉस्चर है जिसमें ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, तो इन दोनों पॉस्चर में पेशेंट को रखना नहीं। एक तीसरा पॉस्चर है, आई जस्ट शो यू, जब वो पेशेंट लेटा हुआ है लाइक दिस, ऊपर देख रहे हैं ना, तो हार्ट है ये ऊपर है और लंग्स उसके नीचे हैं, ऐसे में उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई क्योंकि हार्ट ने उसको दबा दिया, और अब ब्रेथलेसनेस अभी भी बढ़ेगी, अभी भी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। ये सारे पॉस्चर है ब्रेथलेसनेस बढ़ने की। तो ऐसे में उस पेशेंट को अगर हम प्रोन वेंटिलेशन में रख दें, प्रोन वेंटिलेशन, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 2% बढ़ जाएगा, और 1-2 घंटे में वो बोलेगा अब मैं कंफर्टेबल हूं, और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एवरी टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कभी आएगा भी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं एवरी टाइम आएगा। किस में रखना है आपको? प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल, पेशेंट दिस यू कैन सी, ऐसे आ और पैरों के नीचे आपने ये पिलो आपने डाल दिया, और ऐसे अब जब ऐसे है आप ऑक्सीमीटर लगाइए उसके हाथ में और आप चेक करते रहिए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे 1 घंटे के अंदर वो मिराकल हो जाएगा कि भाई नॉर्मल हो गया था। वेंटिलेशन का यही मतलब है। अब इसके अलावा जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसकी बात आप करते हैं, वो एक मौत का सामान है, वो एक व्यापार करने का सामान है। अच्छा, ये जो मैंने पोजीशन बताया, क्या इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं कि आज के बाद ऐसे कोई लेटेगा तो मुझे पैसा देना, वो मुझे पैसा देगा तभी ऐसा लेटना अलाउड है? आई कैन नॉट पेटेंट दिस पोजीशन, राइट? मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को बता दिया, इसका व्यापार नहीं हो सकता। तो ये 1970 में यूज होता था और इसमें 1 घंटे में प्रभाव आ जाता हर बार, हमारे पास तो कितने डेटा है, राइट? लेकिन आप क्या किया कि इस वाले मेथड को हाइड कर दिया, उसकी जगह ले आए मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि अपने आप में इतना ज्यादा डेंजरस है। हमारे डॉक्टर केवी तुमाने जी हम बताएंगे कि उन्होंने अपने पिछले 35 साल के करियर में एक भी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर आते हुए जिंदा आते हुए देखा नहीं। तो आपका कोई दुश्मन भी हो ना तो भी उसको वेंटिलेटर के लिए ना बोलो, लेकिन प्रोन वेंटिलेशन के लिए उसको बोल सकते हैं, आपको 1 घंटे में रिजल्ट दिखेगा। अब क्या है कि जब वो लेटा है ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल 1 घंटे बाद, लेकिन जैसे ही वो उठेगा ऐसे बैठ गया तो दोबारा से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन पहले से भी ज्यादा डिप कर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो पहले तो आखिर में 75 तक आ रहा था, लेकिन अब एकदम डिप कर जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एन मौके पे पैनिक ना हो, राइट? तो ऐसा होगा तो इससे बचना है उसको, राइट? वी हैव टू प्रोटेक्ट, किया ऐसा ना हो वो सोचेगा मैं ठीक हो गया हूं, अच्छा मैं चलता हूं टॉयलेट, टॉयलेट रुक जाएगा ना वो, और टॉयलेट जाते ही एकदम वो गिर पड़ेगा, या मैं बैठता हूं या मुझे खाना है या मुझे मैं ऐसे थक गया। बीमार इंसान ऐसे या कोई भी इंसान ऐसे लंबे समय तक नहीं रह सकता, हर 1 घंटे में उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पोजिशन पर आप लेट के देखिए, थोड़ी देर बाद आपको पेन करने लगेगा, राइट? तो ऐसे में क्या करना है कि उस पेशेंट को ब्रेक भी देना है, लेकिन ब्रेक देने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे या उसका पॉस्चर चेंज कर देंगे तो दोबारा ऑक्सीजन सेचुरेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसे में वेरी वेरी सिंपल, एक चेयर ले, ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो जितनी देर वो खा रहा है जितनी देर जा रहा है बार बार ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर फिर व्यापार। ये चाइनीज फैन 200 रुपए का आता है, इंडियन भी आता है, राइट? तो इस तरह का फैन लिया ऐसा, और उसको ऐसे लगाया करीब 6 इंच दूर, और उसको इस पोस्चर पे, इस पोस्चर पे, ये जो पोस्चर है और ये फैन है, तो अब ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका नीचे तो जाएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा, एटलीस्ट खाना खाना है पानी पीना है तब तक रहेगा, राइट? तो ये पोस्चर है, खड़े होना उसको तो ये झुक के, दिस इज द पोस्चर, राइट? इस पोस्चर पे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, झुकेगा तो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वो पोस्चर इसलिए चेंज करना जरूरी क्योंकि उस पोस्चर वो रह नहीं सकता, दर्द करेगा। अच्छा, प्रोसेस तो ऐसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रोन वेंटिलेशन लगा दिया साथ में फैन भी लगा दिया, ये लगता है ये तो बचपना है यार, ये कैसे हो सकता है?
कभी कभी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ हो जाएगा, राइट। तो आप जो बुक है जो आज लॉन्च हुई है या जो इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुई, उसमें मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसके भी और प्रोन वेंटिलेशन के सारे डाले हुए हैं, ऑथेंटिक ट्रायल, आप उसको रेफरेंस को देख सकते हैं। और उस ट्रायल में देखा गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि आधे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और आधे पेशेंट को सिर्फ ये पंखे से दिया गया, स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जिनको पंखे से दिया गया उनको उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी पाई गई विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी ऑक्सीजन के लिए डिजाइन नहीं है। आपका आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन, इट इज नॉट ऑक्सीजन। आपकी गाड़ी डीजल की है, डीजल खत्म हो गए, मैं बोलूं मैं जेट फ्यूल डाल देता हूं उसमें और बढ़िया तेल है, आप मानेंगे क्या? और महंगा है, नहीं मानेंगे ना, बिकॉज योर कार इज डिजाइन फॉर डीजल, राइट। योर कार इज डिजाइन फॉर एयर, नॉट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो भाई आप? आपके आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके बॉडी को ज्यादा एयर की जरूरत है, तो एयर दीजिए। आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, डॉक्टर विवेकल जी बताते हैं, और साथ में आप ये वाले पोजिशनिंग में बैठ जाइए या प्रोन वेंटिलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स इज द ओनली थिंग इज द विच कैन एटलीस्ट ब्रिंग बैक द ब्रीथ, राइट। सांसें वापिस ला सकती हैं, लाती हैं, बड़ा आराम से लाती हैं, राइट। लेकिन ये चीजों को हाइड करके हमने तो 50,000 वेंटिलेटर खरीद लिए, तो उसमें क्या कि अगर बोलें कि भाई इस पोजिशनिंग के लिए हमने इसमें तो कुछ बिजनेस है ही नहीं, राइट। तो अगर तो आपकी चिंता है तो इस चीज को प्रमोट करना है ना, अगर आपको किसी की चिंता किसी को कि आपको ये करना है, राइट। और इससे अगर इसी से हमने लोगों को बचाया, हमारे पास जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले आए हैं वो बहुत खतरनाक लोग आए हैं, 87 ईयर ओल्ड मैन हैविंग मेनी डिजीज टुगेदर, तो वेरी डेंजरस सिचुएशन, लेकिन इट वर्क्स एवरी टाइम। इसीलिए हमने पूरा बुक लिखा ताकि आप उसको ध्यान से पढ़ के समझ सकें, आप अपना कंक्लूजन निकाल सकें, आप हमारे एक्सपर्ट से भी मिलें, जो 15 एक्सपर्ट यहाँ पे हैं अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि ये कितना मिराकल तरीके से ऑल दिस थिंग्स वर्क्स, राइट। सो